हेलो फ्रेंड, आज मैं मेथी की बेसन वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने ये 2 जूड़ी जितनी मैंने मेथी ले ली है, अंदाजन 400 ग्राम जितना होगा, और मैंने इसे धो के अच्छे से काट लिया है। अब मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ बेसन वाली। मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस चालू कर दिया। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है। मैं इसमें आधा चम्मच जितना जीरा डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच जितना मैं हींग डाल रही हूँ। इसमें मैं 1/4 चम्मच जितनी हल्दी डाल रही हूँ और जो मेथी चॉप करके रखी है हमने वो मैं सब इसमें डाल दे रही हूँ। मैं 1 चम्मच की मदद से हिलाएंगे। हमारा गैस इस टाइम स्लो कर देंगे हम। इसे तेल में ही पकने देंगे। इसमें मैं 1/2 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। एकदम स्लो गैस में इसे धीमा इसे ढक के रख देंगे हम। इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे एकदम स्लो गैस में। इसे 10 मिनट हो गए हैं। हमारी सब्जी थोड़ी पक गई है। इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और गैस थोड़ा फास्ट कर देंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। उसमें हम थोड़ी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी एकदम चुटकी भर बेसन के माप की डाल रहे हैं और बेसन के माप का 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर देंगे और इसे फिर से हम 10 मिनट के लिए ढक दें। इसे 10 मिनट हो गए, हम ढक्कन खोलेंगे। यह सब्जी अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसमें ये मैंने डिजिटल चम्मच लिया है वो पूरा भर के मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे। हमारा गैस अभी मीडियम आंच पे है। सब्जी में से तेल निकलना चालू हो तब तक इसे पकने देना है। ये देखिए सब तरफ से तेल निकल रहा है। हमारी सब्जी खाने के लिए एकदम तैयार हो गई है। इसे अच्छे से फाइनली हम चला लेंगे। यह हमारी मेथी की बेसन वाली सब्जी तैयार हो गई है। यह गुजराती घरों में आम तौर पे बनाई जाती है।
मैं इसे एक कैसरोल में निकाल लूंगी। जिससे यह गरम गरम परोसदारी के लिए ठीक रहे। मैंने कैसरोल में ये सब्जी निकाल ली है, इसे मैं टेबल पे गरम गरम सर्व करने जा रही हूँ। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।